चलो, कल हमने क्या डिस्कस किया था? कल हमने डिस्कस किया था सरफेस एरिया ऑफ कवर सिलेंडर, मतलब कि कवर सिलेंडर ऑफ सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया, यानी जो सिलेंडर था उसके सरफेस एरिया के बारे में बात की थी। कौन सा सिलेंडर? राइट सर्कुलर सिलेंडर। और एग्जाम्पल नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 करते हैं। द कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ट्राई सर्कुलर सिलेंडर, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। इट इज द रिक्वायर्ड टू मेक द क्लोज सिलेंडर टैंक ऑफ हाइट इज 1 मीटर एंड बेस डायमीटर इज 140 सेंटीमीटर फ्रॉम द मेटल स्टील, द हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ द सीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। यानी कि उसे क्या करना है कि एक टैंक बनाना है सिलेंडर, और वो क्या होना चाहिए, क्लोज है। तो टोटल सरफेस, तो वो किसी एक मेटल सीट में से बना रहा है, तो उस मेटल सीट का टोटल कितना एरिया चाहिए होगा, कितना मीटर स्क्वायर चाहिए, कितना एरिया वो मीटर स्क्वायर में बोला है। सॉल्यूशन हियर, लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी है, हाइट, यानी हाइट यानी कि लेंथ, बस सॉरी आप हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट एच इज इक्वल टू 1 मीटर है, तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, 100 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर दिया है, एंड डायमीटर ऑफ सिलेंडर, देन डायमीटर डी इज इक्वल टू 140 सेंटीमीटर है, तो उसे हम रेडियस में ले जाएंगे। रेडियस आर इज इक्वल टू सर टू कितना होगा, डी बाय टू, यानी कि 70 140 डिवाइड बाय 70 सेमी। ओके चलो, अभी हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे मेंशन किया है क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, यानी क्लोज सिलेंडर, उसमें उसका सरफेस एरिया में कौन सी फॉर्मूला लगेगी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया। ओके हाँ पाई आर इनटू आर प्लस एक्स। हाँ देन रिक्वायर्ड सीट, तो यहाँ पे लिख दो, सर यस टोटल सरफेस एरिया कह रही थी। ऐसा यहाँ पे बोला है कि क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, क्लोज यानी कि टोटल सरफेस, देखो ये सिलिंड्रिकल टैंक है ये, ओके टोटल सरफेस, ये कवर सरफेस एरिया में, यहाँ मतलब कि ये जो सिर्फ पार्ट है वही हम काउंट कर दे, बट टोटल सरफेस एरिया बोला है, यानी कि ये सर्कल और ये, यानी कि दोनों साइड से बंद कर देंगे, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। और टोटल सरफेस एरिया की फॉर्मूला हमने क्या बोली है, 2 पाई आर आर प्लस एच, देन रिक्वायर्ड सीट। ओके क्लियर अभी, यस सर। रिक्वायर्ड सीट इज इक्वल टू 2 पाई आर आर प्लस एच। ओके 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 r। रेडियस कितनी है हमारी बात, 17, 70 प्लस एच इज इक्वल टू 100 इंटू 10, 22 × 2 = 40, 440 × 770। एंड फाइनल आंसर इज 748 00 सेमी स्क्वायर। अब सेमी स्क्वायर में से मीटर में जाएंगे तो 4748 00 डिवाइड बाई 100 × 100 मीटर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे सेमी स्क्वायर में है, इसीलिए सेमी स्क्वायर में से मीटर स्क्वायर में जाएंगे तो उसे 2 मतलब कि 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे होगा 7.48 मीटर स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। यानी कि हमें जो क्लोज सिलेंडर का टैंक बनाना है उसमें
उसके लिए कितनी सीट लगेगी? 7.48 मीटर स्क्वायर, 7.48 मीटर स्क्वायर सीट चाहिए होगी, उसमें से हम क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, ये थोड़ा ध्यान से समझिए। चलो क्वेश्चन थी थ्री है, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर एंड द आउटर डायमीटर बिगिनिंग 4.4 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखिए, मेटल पाइप मैं बना रहा हूं, देखो मेटल पाइप, सपोज मैंने ये मेटल पाइप है, आप एज्यूम कर लो ये मेटल पाइप है, ओके। और देखो ऐसा ही कोई एक सीट में से हम, मैं सिलेंडर बना रहा हूं, ये पेपर का सीट है, उसमें से मैं कोई सिलेंडर बनाया, मैंने बनाया ये, तो देखो उसका इनर और आउटर दोनों के बीच क्या है, ये पेपर का, ये पेपर का थिकनेस, पेपर का थिकनेस, ये पेपर की थिकनेस को हम निगलेक्ट कर सकते हैं ना, यानी कि यहां से मैं देखो, यहां से मैं ये सर्कल अंदर से उसकी रेडियस काउंट करूं या बाहर से काउंट करूं, रेडियस या डायमीटर दोनों सेम टू सेम ही होगा, दोनों सेम टू सेम ही होगा। बट देखिए ये टैप ले लीजिए, ये टैप ले ली, अब यहां से मैं डायमीटर काउंट करूंगा, यहां से अंदर से, अंदर के पार्ट से, इनर पार्ट से, तो डायमीटर मुझे कितना मिला है 4 सेंटीमीटर, और बाहर से यहां से यहां तक, यहां से मैं यहां तक मैं डायमीटर काउंट करूंगा तो 4.4 सेंटीमीटर, ये 4.4 सेंटीमीटर मिला है, यानी कि 0.4 का डिफरेंस मिला है दोनों के बीच, कितना 0.4 का डिफरेंस मिला है, 0.4 का डिफरेंस मिला है। तो यहाँ पे इनर सरफेस एरिया एंड आउटर सरफेस एरिया दोनों के बीच थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा। मेटल पाइप बना रहे हैं तो पाइप कैसी होगी, दोनों साइड से ओपन रहेगी, ओके। तो पहले हमें क्या फाइंड करेंगे, इनर सरफेस एरिया बोला है, तो इनर सरफेस एरिया में कौन सी फॉर्मूला लगेगी, 2π r1h, इनर के लिए रेडियस कौन सी है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो उस हिसाब से रेडियस होगी 2 सेंटीमीटर। आउटर सरफेस एरिया है तो उसके लिए डायमीटर 4.4 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए रेडियस लगेगी 2.2। अभी जो बात में जो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, टोटल सरफेस एरिया, उसमें कंफ्यूजन सबको होगा, पर पहले दो सॉल्व करके थर्ड पे हम आते हैं। चलो चलो पहले तो यहाँ पे हियर हाइट ऑफ पाइप, हियर Here height h, here height h, height कितनी है 77 सेंटीमीटर, ओके। और यहाँ पे हमें देखिए इनर डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब कि यानी कि इनर डायमीटर कितना है, इनर डायमीटर उसे नाम दे दो d1 इज इक्वल टू क्या है 4 सेंटीमीटर,
तो उस हिसाब से इनर रेडियस कितना रहेगा, इनर रेडियस आर वन इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर डी बाय टू। अब बोला है आउटर, आउटर आउटर डायमीटर डी टू इज इक्वल टू क्या है, 4.4 सेंटीमीटर। देन आउटर रेडियस, रेडियस आर टू इज इक्वल टू क्या होगा, 2.2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करने को बोला है, फाइंड करने को बोला है फर्स्ट इनर कवर्ड सरफेस एरिया, तो वो हम फाइंड करते हैं। इनर कवर्ड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, देन इसकी फॉर्मूला है, इनर कवर्ड सरफेस एरिया की फॉर्मूला क्या रहेगी, 2π r1h। तो 2π की वैल्यू है 22/7 r1, r1 की वैल्यू क्या होगी, 2 सेंटीमीटर, और हाइट तो हमारी क्या रहेगी, 77। ओके, तो 11। तो यहाँ पे फाइनल हमारा जो आंसर रहेगा, फाइनल आंसर रहेगा वो है हमारा 968 सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी हिसाब से सेकंड में बोला है आउटर कवर सरफेस एरिया, तो टू आउटर पाई एम आर टू एच सरफेस एरिया 2π r2h, 2 × 22/7, r की वैल्यू रहेगी 2.2 एंड हाइट तो सेम रहेगी मिला। तो यहाँ पे फाइनल आंसर होगा इसका है 1064.8 सेंटीमीटर। 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चल अब यहाँ पे थर्ड में जो बोला है टोटल सरफेस एरिया, थर्ड में क्या बोला है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया किसका बोला है, ये जो हमारी पाइप दिख रही है, हमारी जो पाइप है ये जो हमारी पाइप है उसका बोला है कि टोटल सरफेस एरिया किसका बोला है, ये हमारी जो पाइप है उसका बोला है, ये हमारी जो पाइप है उसका टोटल सरफेस एरिया बोला है। तो टोटल सरफेस एरिया में फॉर्मूला 2π r r+h फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये फॉर्मूला वहां पे यूज नहीं करेंगे। कौन सा यूज करेंगे, टोटल सरफेस एरिया पाइप का बोला है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि पाइप पाइप क्लोज है, पाइप तो कभी क्लोज होगी नहीं। अगर टैंक की बात करें तो इसके पहले हमें बोला था कि क्लोज सिलिंड्रिकल टैंक, तो वहां पे टोटल सरफेस एरिया वाली ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्लोज है तभी, पर पाइप दोनों साइड से क्या होगी, ओपन होगी, उसके एंड पॉइंट से क्या होगी, वो ओपन होगी, तो ये फॉर्मूला वहां पे हम यूज नहीं करेंगे। तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमें फॉर्मूला डिराइव करनी, मतलब कि एक फॉर्मूला बनानी पड़ेगी जिसमें टोटल सभी एरिया कवर हो जाए, ऐसी एक फॉर्मूला इसके लिए लिखनी पड़े। तो वो फॉर्मूला क्या होगी, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि देखो ये पाइप हमने मानी है, तो इसका इनर सरफेस एरिया प्लस आउटर सरफेस एरिया और बाकी बचा ये हिस्सा, इनर प्लस आउटर, और ये जो बाकी एंड पॉइंट है दो साइड से एंड पॉइंट, ये भी सरफेस एरिया हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो भैया टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, एक तो इनर वाला पार्ट प्लस आउटर पार्ट, और ये क्या होगा, एंड पॉइंट, यानी कि जो एंड पार्ट है दोनों साइड से, तो उसके साथ उसका सरफेस एरिया। इनर का सरफेस एरिया हमें पता है, आउटर का सरफेस एरिया भी फाइंड किया, इनर सरफेस एरिया सेम टू सेम, आउटर सरफेस एरिया वो पता है। अब ये जो एंड पार्ट है यानी कि जो ये एंड पॉइंट है, इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड करेंगे,
तो उसका सरफेस एरिया सर्वर की, सिलेंडर हाँ दो सर्कल बनेंगे, देखो उसके लिए हमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार फिगर से। तो जो हमारा एंड पार्ट वाला है कि लास्ट पार्ट, उसका सरफेस एरिया इस तरह से, चलो पाइप है ओके। तो उसका देखो यहां से देखो, ये जो पाइप है इस तरह से दिख रही है, ये भी मैंने फिगर ड्रॉ की, एक सर्कल ये है, दूसरा उसके अंदर एक छोटा सा सर्कल ये लगा दिया। और हमें कौन सा पार्ट कवर करना है, ये जो मैंने रेड पेन से अभी ड्रॉ करा, इस पार्ट का हमें सरफेस एरिया है, क्योंकि पाइप मेटल की बना रहा है तो थोड़ी बहुत थिकनेस तो उसकी होगी। तो ये हमें पार्ट, हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये जो मैंने रेड से कलर किया है, मार्कआउट किया है, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो यहाँ से मैं सर्कुलर बटन ओरिजिन ले साउथ ली, यहाँ पे मैंने ओरिजिन ले लिया, यहाँ से इनर इनर रेडियस कितनी थी, इनर पार्ट की रेडियस है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर और आउटर रेडियस कितनी है, टू फोर पॉइंट पॉइंट टू टू पॉइंट फोर टू टू वो डायमीटर है, 2.2 सेंटीमीटर, पॉइंट 2.2 सेंटीमीटर है। चलो अब हमारे पास फॉर्मूला है, अब हमें ये जो रेड पार्ट चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो ये बड़ा वाला सर्फ मतलब कि सेकंड सरफेस एरिया है, आउटर आउटर सर्कल है, उसका एरिया की फॉर्मूला क्या है, पाई आर टू स्क्वेयर, और ये छोटे वाले की पाई आर वन स्क्वेयर। तो पाई आर टू स्क्वेयर में से पाई आर वन स्क्वेयर निकाल दो, हो गया। तो पाई आर टू माइनस आर वन स्क्वेयर, और ये सेम साइड यानी कि पाइप दोनों साइड के हिस्से में यही फॉर्मूला रहेगा, दोनों साइड यानी कि यहाँ भी बेज और ये अपर अपर और डाउन, दोनों साइड सेम प्रोसेस रहेगा। दोनों साइड का एरिया फाइंड किया तो यहाँ पे उसको टू के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 पाई R2 माइनस R1 स्क्वायर, क्लियर सर। यस चलो तो यहाँ पे लिख दो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, टू पाई, सी एस ए कवर सरफेस एरिया ऑफ इनर पार्ट माइनस प्लस सी एस ए CSA ऑफ आउटर पार्ट प्लस एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड ऑफ पाइप, यानी कि पाइप के जो दोनों एंड्स है, जो सर्कुलर एंड्स है उसका एरिया। तो इसका तो सी एस ए ऑफ इनर पार्ट वो तो हमें पता है क्या होगा, उसकी फॉर्मूला है पाई आर वन एच, इसकी फॉर्मूला है पाई आर टू एच, और ये एरिया ऑफ बोथ सर्कुलर एंड की फॉर्मूला हमने अभी डेरा की, 2 पाई R2 माइनस सर आर वन ओके। तो इसकी वैल्यू अब क्या थी, 9.6, इसकी वैल्यू क्या है, 9.68, अभी हमने पहले में फाइंड की वो ही सेम टू सेम 9.68, सेकंड की 2 पाई R2H की 106 पॉइंट, सॉरी क्या थी, 110 वो जो सिक्स 4.8 ओके। इसका फाइंड करना है 22/7, R2 क्या है 22 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, कैलकुलेशन करो तो फाइनल आंसर होगा 2038.08 सेमी स्क्वायर।
टोटल सरफेस एरिया ये रहेगा। सबको समझ में आएगा, इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर, समझ में नहीं। नो सर। ओके, किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो मैं आगे क्वेश्चन नंबर फोर स्टार्ट करूं। सर अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो हमको अपने आप से मतलब ये फॉर्मूला बनाने का? हाँ, तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन मतलब कि जो ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है बुक के बाहर के क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो सकते आपको। हाँ, कुछ ज्यादा ऐसे कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं होगे, सिंपल ही होगे। आपको जो बुक के क्वेश्चन जितने हैं उतने कर लो, उस हिसाब से ही होगे एग्जाम में क्वेश्चन। ओके सर। सर एग्जाम में डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, डिराइव करने की जरूरत नहीं है? हाँ, डिराइव करने की जरूरत, यहाँ पे मैंने कहाँ पे डिराइव किया, यहाँ तो डायरेक्ट मैंने लगाया, बट आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये फॉर्मूला मैंने यूज की 2πr2 - r1 square, बट 2π - r2 - r1 square कहाँ से आए, क्यों आए, वो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर फोर देखो। अ डायमीटर ऑफ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। It takes the 500 complete revolution of two moves once over the level of playground to find the area of playground. यानी कि एक रोलर है, सबने रोलर तो देखा है। Yes, sir. Okay, सब मैच देख रहे हो, जिन्होंने मैच देखी हो तो पिच पे वो बारिश है उसके बाद आते हैं तो पिच को लेवल में करने के लिए वो रोलर घुमाते हैं ना, वो पिच पे ऐसे हाथ से लेके जाएंगे, फिर वो सिलिंड्रिकल टाइप होता है। हाँ, तो वो रोलर है। yes. हाँ, और सबने ऐसे बाहर कई जगह पे रोलर तो देखा हो। उस रोलर का डायमीटर हमें दिया है 84 सेंटीमीटर है। ओके, और उसकी लेंथ दिया 120 सेंटीमीटर। एक हमारे पास ऐसा एक प्ले ग्राउंड है, यहाँ से मैं ओके ये मेरे पास ग्राउंड है। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से मैंने रोलर को लगाया। ओके, यहां से मैंने रोलर स्टार्ट किया, रोलर से मैंने रोलिंग करना स्टार्ट किया। वैसे मैं रोलिंग करता 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 ऐसे 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 पूरे ग्राउंड मैंने खत्म किया। टोटल कितना ये घुमा, कितनी बार ये इसने चक्कर लगाया, 500 टाइम्स, यानी कि 500 उसने रिवॉल्यूशन किया ऐसे पूरा। यहाँ से हम स्टार्ट करें, सपोज ये इसका एक सिलेंडर पार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करें फिर से यहाँ तक ये पॉइंट घूम गया है तभी एक रिवॉल्यूशन, ऐसा 2, 3, 4 ऐसे 500 टोटल रिवॉल्यूशन हुए और उसका प्ले ग्राउंड में भी खत्म हुआ। एक एंड पॉइंट से स्टार्ट किया, दूसरे एंड पॉइंट तक पहुंच गया, टोटल कितने हुए, 500 रिवॉल्यूशन हुए। तो उसने ये हमने क्वेश्चन किया है, तो इस प्लेग्राउंड का एरिया क्या है, प्लीज इस एक प्लेग्राउंड का एरिया क्या है वो हमें फाइंड करना है। तो वो फाइंड कैसे करेंगे, पहले तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस रोलर है ये सिलिंड्रिकल है, इसे हम ऐसा खोल देंगे तो क्या होगा, एक रेक्टेंगल सीट हो जाएंगी। यानी कि एक चक्कर लगाए या एक चक्कर कितना लगाएगा, ये जितना कवर सरफेस एरिया जितना चक्कर लगा पाएगा, ये जो रोलिंग करेगा तो कितनी एरिया में रोलिंग कर पाएगा उसका जो कवर सरफेस एरिया है उतने में वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, उतने एरिया में उतना खुद का एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा। फिर से जब दूसरा चक्कर स्टार्ट होगा तो दूसरा चक्कर कितने में कंप्लीट करेगा, अपने एक रिवॉल्यूशन मतलब कि अपने कवर सरफेस एरिया जितना। ओके, समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस यस सर। तो यहाँ पे पहले तो यस इसको फाइंड करने के लिए सरफेस टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इनटू 500 करेंगे तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टोटल सरफेस नहीं कवर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि हमें तो ये ऐसे घुमा रहा है तो उसकी जो साइड का जो एंड पॉइंट है उसका तो कोई काम ही नहीं है,
वो मतलब क्लोज है या ओपन है उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो क्या उसका जो ऊपर का जो कवर पार्ट है वो ही घुमा रहे हैं ना, तो कवर सरफेस एरिया हाँ फाइंड कर। ओके ओके, देन हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल, CM. हाइट ऑफ सिलिंडर इज 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस, पहले तो डायमीटर दिया है, डायमीटर डी इज इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, तो देन रेडियस इज, 42. टू रेडियस इज 42 सेंटीमीटर, देन कवर सरफेस एरिया कवर सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, 2 × 22/7, रेडियस कितना है 42 एंड हाइट है 120 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा, तो इसका कैलकुलेशन थ्री होगा वन सिक्स एट टू जीरो वन सिक्स एट जीरो थ्री वन सेंटीमीटर स्क्वायर. सिक्स एट जीरो सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तो ये क्या हुआ, इस इक्वल टू बोल सकते हैं ना कि सी एस के ऑफ यानी कि कवर सरफेस एरिया ऑफ रोलर, कवर सरफेस एरिया ऑफ रोलर, अब वो कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 500 फाइव रिवॉल्यूशन कर, हंड्रेड तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड इज इक्वल टू 500 × CSA ऑफ रोलर, तो 500 × 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ऑफ फील्ड, एरिया ऑफ फील्ड कितना हुआ हमारा, तो 1584, कितने जीरो आंसर होगा, 4 0 सर, 4 0 फोर जीरो, 40 सेमी स्क्वायर, उसे मीटर में लेना है तो 1584 मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 100 × 100. 100 × 100। चलो क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन है? नो सर. हाँ सर।